व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज जो बाइडेन के साथ आधिकारिक मुलाकात, अमेरिकी कांग्रेस को भी संबोधित करेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी ने जिल बाइडेन को गिफ्ट किया ग्रीन डायमंड, जो बाइडेन को भी सोने का सिक्का और गणेश की चांदी की मूर्ति तोहफे में दी। बाइडेन ने भी पीएम मोदी को गिफ्ट किया कैमरा। पीएम मोदी के स्टेट डिनर के लिए व्हाइट हाउस तैयार, डिनर में बाजरे से जुड़े व्यंजन होंगे खास, खुद जिल बाइडेन कर रही हैं देखरेख। मणिपुर के हालात पर गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, 24 जून को होने वाली बैठक में सभी दलों के नेताओं से करेंगे चर्चा। दिल्ली के मंडावली में मंदिर की रेलिंग तोड़ने के विरोध में हंगामा, आप सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, इलाके में भरी पुलिस बल तैनात। एटलांटिक महासागर में 5 जिंदगी की तलाश जारी, टाइटैनिक पनडुब्बी में बची है कुछ घंटों की ऑक्सीजन, अमेरिका और कनाडा की टीमों का साझा ऑपरेशन। सिंगर हनी सिंह को गैंगस्टर गोल्डी बराड ने दी जान से मारने की धमकी, वॉइस नोट के जरिए भेजा मैसेज, हनी सिंह ने दिल्ली पुलिस से शिकायत की। पाकिस्तान के बिना खेला जा सकता है क्रिकेट एशिया कप, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनने से पहले जका अशरफ ने हाइब्रिड मॉडल को ठुकराया, पाकिस्तान और श्रीलंका में होना है एशिया कप का आयोजन। और न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल, दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे उनकी आवाज निडर होकर उठाता है, लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया।